हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ थ्योरी के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ। तो किसी भी ग्राफ का हम लोग कैसे कॉम्प्लीमेंट या फिर इन्वर्स निकाल सकते हैं, ये हम लोग जो है आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले ग्राफ थ्योरी के मैं काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट कर चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पर, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है जाके देखिएगा। उन सब के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, साथ में ग्राफ थ्योरी की सेपरेट प्लेलिस्ट जो है आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो चलिए आज के हमारे जो टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, कैसे क्या मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, देन इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, वो भी हम लोग जो है एक्सप्लेन मैं आपके सामने करूंगा। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ जी इज अ ग्राफ जी डैश ऑन द सेम सेट ऑफ वर्टिसेस सच दैट देर इज अ फंक्शन एफ ई डैश जी डैश इज इक्वल टू यू वी एंड यू वी आर द एलिमेंट्स ऑफ वी एंड सच दैट यू वी देर इज नो एज सच एज इन अवर ओरिजिनल ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये मैंने आपके सामने पढ़ा। तो अगर कोई ग्राफ आपका अवेलेबल है, ठीक है, अब उस ग्राफ के अंदर आपका सेट ऑफ वर्टिसेस वी होगा और सेट ऑफ एच ई होगा, ठीक है। अब उस ग्राफ के ओरिजिनल ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आपका एक और ग्राफ है जी डैश, इस तरह से है कि उसकी जो वर्टिसेस हैं वो तो सेम रहेंगी, बट इसके अलावा कुछ एजेस होंगी जो कि आपके ओरिजिनल ग्राफ में नहीं होंगी बट आपके इनवर्स ग्राफ में या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के अंदर होंगी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो अब ये जो पूरी की पूरी फंक्शन की जो मतलब है क्या है, इसका मतलब आपको मैं समझाता हूं। जैसे यहां पर आपके सामने ये ग्राफ है और ये ग्राफ है, ठीक, यहां पर पांच वर्टेक्स हैं, यहां पर भी पांच वर्टेक्स हैं और उन वो पांच वर्टेक्स हैं ए बी सी डी और ई, यानी जो आपकी वर्टेक्स यहां पर हैं वही वर्टेक्स आपकी यहां पर हैं। पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एजेस यहां पर अवेलेबल हैं वो एज जो है यहां पर अवेलेबल नहीं है, यानी कुल मिलाकर ये ग्राफ इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये ग्राफ जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो किसी भी ग्राफ का अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो मुझे वर्टिसेस को चेंज नहीं करना है, मुझे उनकी जो एजेस हैं जो एज मेरे ओरिजिनल ग्राफ में होंगी वो जो एज है वो मेरे जो कॉम्प्लीमेंट ग्राफ के अंदर नहीं होंगी, इसका कहने का मतलब यही है। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ जी इज अ ग्राफ जी डैश ऑन द सेम सेट ऑफ वर्टिसेस सच दैट अगर कोई एज ई डैश जी डैश में होती है, यानी अगर कोई एज आपकी जी डैश में है UV, वो सेम एज जो है आपकी हमारी ओरिजिनल वाले ग्राफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो एज यहां पर है वो एज यहां पर नहीं है और जो एज यहां पर है और वो एज यहां पर नहीं है, कुल मिलाकर दोनों के दोनों ग्राफ जो हैं आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये जो ग्राफ है, मान लीजिए ये ग्राफ आपका ओरिजिनल ग्राफ है जी वी ई और ये जो ग्राफ है आपका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ है जी वी ई डैश। आपने देखा कि यहां पर जो वर्टेक्स है वी वही वर्टेक्स का सेट मेरा यहां पे अवेलेबल होगा, पर जो मेरे को यहां पर वर्टेक्स जो एजेस का सेट मिला है वो सेट यहां पर मिसिंग है, यानी ये वाला सेट एजेस का और ये वाला सेट जो एजेस का जो है आपस में दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो हमारा एज है ई ई जो का जो सेट है हमारा, इसमें कौन कौन से एजेस हैं, इसके अंदर ए से बी है, इसके अंदर बी से सी है, इसमें सी से डी है, इसमें डी से ई है और इसमें ए से ई है। तो इस तरह से आपकी ये पांच एजेस हैं जो कि आपके ओरिजिनल ग्राफ में है, बट यहां पर आपके जो मुझे नया एजेस का सेट मिला है, देखिए दोनों के दोनों सेट हैं, ई और ई डैश जो है सेट है, तो यहां पर जो मुझे सेट मिला है वो है ए सी, देन
ए सी देन ए डी देन बी ई देन बी डी और इसी तरह से मेरा जो दूसरा सेट है ई सी। आई थिंक पांच ही एजेस हैं, पावर सॉरी वन टू एंड थ्री, वन ए से बी और कोई मिसिंग तो नहीं है मेरा, जरा एक बार देख लेते हैं। बी ई हो गया, डी ई हो गया, नहीं डी ई बचा है हमारा, एक एज और हमारा बचा है डी ई, जैसे बी ई हो गया हमारा, एक हमारा एज बचा है ई के, दोनों हो गए, पहले काउंट कर लेते हैं। ए बी ए सी हो गया, ए डी हो गया, ठीक है बी डी हो गया, बी ई हो गया, बी ई हो गया, अब हमारा ई सी हो गया, तो आई थिंक हमारे जो है पांचों के पांचों जो है एजेस हो गए। तो ये सेट ई का, ये सेट ई का, ई डैश का आपस में डिफरेंट है, इसलिए दोनों के दोनों जो एजेस का जो सेट हमें मिलेगा वो दोनों का डिफरेंट होगा। अगर मैं दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनियन कर दूं, या फिर मैं दोनों ग्राफ का यूनियन कर दूंगा, तो मुझे एक कंप्लीट ग्राफ मिलेगा। कैसा मिलेगा वो ग्राफ? कुछ ऐसा होगा आपका, वो ग्राफ जो है आपका ऐसा होगा, मैं बना भी देता हूं। तो अगर मैं दोनों ग्राफ को आपस में यूनियन कर देता हूं, दोनों ग्राफ का यूनियन कर देता हूं, तो मुझे जो ग्राफ मिलेगा, मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो एक जो है कंप्लीट ग्राफ होगा। कैसा होगा? एक कंप्लीट ग्राफ होगा जो कि इस तरह से कुछ होगा। जैसे आप इस तरह का एक ग्राफ होगा, सबसे पहले कुछ ऐसा आपका ग्राफ होगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है आपका कंप्लीट ग्राफ है, ये ग्राफ आपका जो है कंप्लीट ग्राफ है, ठीक है सही है। तो G डैश V E ये यहां पर ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। तो G V E एंड G डैश V E डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। द नंबर ऑफ वर्टिसेस रिमेन द सेम इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, क्योंकि हमारा जो सेट है V और V, यानी दोनों हमारा जो वर्टिस का सेट है वो चेंज नहीं हुआ है, हमारी वर्टिस जो है सेम है दोनों के दोनों केस के अंदर। और द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एजेस इन G एंड G डैश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस इन अ कंप्लीट ग्राफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इन दोनों एजेस को आपस में ऐड कर दूं, इन दोनों एजेस को आपस में ऐड कर दूं, तो जो मुझे एजेस का सेट मिलेगा वो एजेस का सेट मेरा कंप्लीट ग्राफ के इक्विवेलेंट होगा, जो कि मुझे यहां पर मिला है, ठीक है भाई। ये भी हमने देख लिया। ऑल्सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ ऑल्सो नोन एज अ इनवर्स ग्राफ, ये हमें कहते हैं, यानी हमारा जो ग्राफ का जो जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ग्राफ कहते हैं उसे इनवर्स ग्राफ भी कहते हैं। साथ में जो हमारा ऑर्डर होता है ग्राफ का और उसके कॉम्प्लीमेंट का वो सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये जो लाइन का मतलब है सेम यही हुआ है, द नंबर ऑफ वर्टिसेस रिमेन द सेम इन द कॉम्प्लीमेंट ग्राफ, यानी किसी भी ग्राफ का ऑर्डर अगर हमें निकालना है, अगर हमें किसी भी ग्राफ का ऑर्डर निकालना है तो उसके वर्टिसेस कितने हैं ये हम लोग काउंट कर सकते हैं। और दोनों के केस के अंदर हमारी जो वर्टिसेस है, यानी दोनों केस के अंदर अगर मैं वर्टिसेस काउंट करूं, यहां पर अगर वी अगर मैं इनको काउंट करूं तो दोनों के दोनों जो हैं इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों वर्टिसेस जो हैं आपके इक्वल हैं, ये केवल आपका यहां पर कहने का मतलब है।
तो यहां पर इन दोनों का कहने का मतलब हमारा जो है वो ये है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं इस वीडियो के मैंने क्लियर कर दिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या होता है, किसी भी ग्राफ को कॉम्प्लीमेंट हम तभी कह सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है दोनों के एजेस का जो सेट है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगा। वर्टेक्स सेम रहेंगे बट जो हमारा ग्राफ हमें मिलेगा दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री से वो जो है डिफरेंट होगा, और अगर उन दोनों के ग्राफ को हम लोग यूनियन कर देंगे तो हमें कंप्लीट ग्राफ करेगा। ठीक, चलिए यूनियन कर देंगे तो कंप्लीट ग्राफ मिलेगा, बट अगर इन दोनों ग्राफ का मैं इंटरसेक्शन कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो अगर मैं इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन कर दूंगा तो क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं कि जो एज यहां पर है वो एज यहां पर नहीं है। तो दोनों के एजेस का सेट का जो इंटरसेक्शन है वो हमारा नल आएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो मुझे ग्राफ मिलेगा वो मुझे जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। जो मुझे ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर कोई भी वर्टेक्स नहीं होगी, और इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के ग्राफ को मैं जरा यहां लिख देता हूं अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। इस तरह के ग्राफ को जिसमें कोई भी एज नहीं होता है उसे नल ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, नल ग्राफ कहते हैं। तो दोनों का यहां पर इसको मैं लिख देता हूं कंप्लीट ग्राफ ये होता है आपका। तो दोनों के ग्राफ का यूनियन करेंगे तो कंप्लीट ग्राफ मिलेगा, और दोनों के ग्राफ का इंटरसेक्शन करेंगे तो नल ग्राफ मिलेगा। तो दोनों का हम लोगों ने यूनियन भी देख लिया, इंटरसेक्शन भी देख लिया। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ निकालना बहुत ज्यादा आसान है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आपको यहां से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये आज के इस वीडियो का टॉपिक था, आपको मैंने कंप्लीट कराया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक मैं आपके लिए बना चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, अगर उनको नहीं देखा जाके देखिएगा, उनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिए, जाके जरूर देखिएगा। इसके अलावा और भी जो डाउट है आपका ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।